कभी आपका पेपर अगर जाम हो जाता है तो आप ये बटन प्रेस करो, फ्रंट कवर ओपन करो, यहाँ पे ए करके ऑप्शन है, ये हैंडल को आप प्रेस करो ऐसे, तो ये अनलॉक हो जाएगा। ऐसे लॉक्ड होता है, इसको आप प्रेस करो तो ये अनलॉक्ड हो जाएगा। इसको आप रिमूव कर दो ऐसे फर्स्ट बार। उसके बाद अंदर आपको बी करके एक ऑप्शन मिलेगा, बी दो साइड आपको बी मिलेगा सामने, फिर उसको आप दोनों हाथ से ऐसे बी को पुल आउट कर लो, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करते करते आप निकालोगे तो वो बाहर आ जाएगा बी पार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेपर मिलेगा, जो भी आपका पेपर जाम हो गया है उसको आप यहाँ से ऐसे पुल आउट करके बाहर निकाल लीजिए यहाँ से। सपोज़ यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे एक सी करके ऑप्शन है थर्ड वाला। चालू है वीडियो, बंद है? सी, ये सी को आप ओपन करो, यहाँ पे आपको आपका पेपर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करो, ये ट्रे को ऐसा ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको जामिंग रहेगा तो मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे भी नहीं है तो आप ये पूरा ट्रे को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का यहाँ पे हैंडल मिलेगा, यहाँ पे इसको आप पुल डाउन कीजिए इसे, तो यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है बोथ साइड वाला तो यहाँ पे पेपर आपको मिल जाएगा, फिर इसको आप लॉक कर दो वापस। फिर से मैं बताता हूँ, ये हैंडल को आप डाउन कर दीजिए इसे, यहाँ पे पेपर मिलेगा। सपोज यहाँ पे भी अगर आपका पेपर नहीं है तो मशीन के पीछे की साइड में यहाँ पे डोर है, ये डोर को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पेपर को पुल आउट कीजिए, या यहाँ पे रहेगा या अंदर रहेगा या नीचे रहेगा, तो जहाँ पे भी पेपर है आप वन बाय वन चेक करके पेपर को निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से ये जो बी नंबर का पार्ट है, बी नंबर है जो, इसको आप पहले इंस्टॉल कर दीजिए, दोनों साइड बी से आप पकड़ लीजिए ऐसे, और इसको आप अंदर डाल दीजिए ऐसे, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके डालिएगा तो चला जाएगा, उसको पुश कर दीजिए ऐसा तो अंदर लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये जो ए नंबर का पार्ट है इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए, ये डालने के बाद इसको आप लॉक कीजिएगा ऐसे, ऐसा पुश कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के लिए ए प्रेस कीजिए, लॉक करने के लिए पुश कीजिए, उसके बाद डोर को बंद कर दीजिए।